अब नाज़रीन आप देख रहे हैं पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए थे और जिन्होंने हिंदुस्तान के आइन में अपना अहम रोल अदा किया था, उनके इस किरदार की वजह से हमेशा हर साल जो है उन्हें याद किया जाता है। इसी सिलसिला में आज भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने अपने मेन ऑफिस डिंगला में उनकी तस्वीर पर माला और फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया और उनके इस जन्मदिन के मौका पर उनकी याद में उन्होंने गरीब गुरबा लोगों में राशन की तकसीमकारी भी अमल में लाई। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद रफीक चिश्ती जो कि भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर हैं, उन्होंने बताया कि उनको उनके कारनामे जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के आइन के लिए अपना अहम किरदार अदा किया था, हर साल उनको याद किया जाता है, लेकिन इस मर्तबा कोरोना वबा की वजह से उन्हें आला हुक्मरान और पार्टी के जो सीनियर अहदेदारान थे उनकी बाकायदा तरीके से उनकी जानिब से आगाह किया गया था कि इस मर्तबा वो हजूम में इस दिन को ना मनाएं बल्कि अपने अपने घरों में और अपने अपने दफ्तरों में ही एक बिल्कुल सोशल डिस्टेंस बनाकर उन्हें याद करें और उनका दिन मनाएं। तो इसी से ज़मन में आज उन्हें खराज अकीदत भी पेश की और उनकी फ़ोटो पर हार और माला भी चढ़ाई। मज़ीद उनका क्या कहना था आइए दिखाते हैं उन्हीं की ज़बानी। बीजेपी के साल के 6 बड़े अहम प्रोग्राम होते हैं, उनमें सबसे बढ़ के जो डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मदिन है, यानी कि वो पैदाश का उनका जो दिन है वो 14 अप्रैल 1891 में उनकी पैदाश हुई थी, वो दिन मनाया जाता है। 6 बड़े प्रोग्रामों में एक अहम प्रोग्राम ये, वो आज के दिन, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है तो हमें पार्टी की हदायत के मुताबिक हमने हर घर में हर फैमिली में अपने अपने घर पे अपने हिसाब से अपनी फैमिली के साथ बैठ के प्रोग्राम मुनक्कद किया है, ना कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे होकर जैसे पहले प्रोग्राम करते थे। तो उसी प्रोग्राम के मुताबिक आज हमने यहाँ अपने फैमिली के साथ अपने ऑफिस में प्रोग्राम किया है, जिसमें उन नाम से जैसे गरीबों को राशन देना है वहाँ हमने राशन देते उनको याद किया है, खाना खिलाते उनको याद किया है, वगैरह वगैरह ऐसे प्रोग्राम हमने, ताकि सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का कानून को मद्देनज़र रखते हुए कि उनकी कोई खिलाफवर्जी न हो उस हिसाब से हमने